सारी दुनिया नूं पिछे छड्ड रूस ने करोना दी वैक्सीन खोज कड्डी है। ना सिर्फ वैक्सीन खोज कड्डी बल्कि सारे टेस्ट पास कर अज 12 अगस्त नूं इस वैक्सीन नूं रशिया रजिस्टर करवाउण जा रहा है, जो कि सारी दुनिया दे लई किते ना किते राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले कई महीनों तो करोना ने सब कुछ रोक के रख दिता है अते भारत दे विच लगातार मौतां दा गेड़ चलदा आ रहा है। स्पूतनिक वी नाम दी इह वैक्सीन बना के रशिया ने सारी दुनिया नूं पिछे छड्ड दिता है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को दावा किया है कि रशिया के गैम इंस्टीट्यूट और डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर यह वैक्सीन तैयार की है, जिसका जांच ट्रायल पिछले 2 महीनों तो चलता आ रहा है। कुल 48 बंदियों के उत्ते इसका पहला परीक्षण किया गया सी, जो कि बिल्कुल सफल रहा। रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस अप्रूव कर दिता है। अज 12 अगस्त को यह वैक्सीन रजिस्टर होने जा रही है। इत्थे सब तो वड्डी ते भरोसे वाली गल तां इह है कि पुतिन ने इस वैक्सीन दा टीका अपनी लड़की नूं भी लगवाया है ते उन्हां दी लड़की बिल्कुल ठीक है अते इस वैक्सीन दा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होया। इस तों बाद इस गल दा भरोसा होया कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। पुतिन ने दस्सिया है कि अज 12 अगस्त नूं इस वैक्सीन नूं रजिस्टर कराउण तों बाद सब तों पहला हैल्थ वर्करस नूं वैक्सीनेट कीता जावेगा ते इसी महीने दे विच ही फ्रंट लाइन ते काम करन वाले हैल्थ वर्करस नूं इस वैक्सीन दा टीका लगवाया जावेगा, जिन्हां नूं इस बीमारी दा सब तों वध खतरा रहिंदा है अते इस तों बाद रशिया दे सीनियर सिटीजन नूं इह टीकाकरण कीता जावेगा। पुतिन ने कहा है कि हाले तक एक घट मात्रा दे विच बनाई गई है अते सितंबर दे विच इस दा मास प्रोडक्शन वड्डे पद्धर दे उत्ते इह वैक्सीन तैयार कीती जावेगी अते अक्तूबर तक सारे रशिया ते होरनां देशां दे विच इह वैक्सीन तेजी दे नाल भेजी जा सकती है। इत्थे इह वी दस्सिया जांदा है कि रशिया दे विच इह टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त कीता जावेगा अते देश दे बजट दे विचों ही इस दा खर्चा कढ़िया जावेगा। बाकी देशों के लिए इसका की मुल होगा यह अक्तूबर के महीने तो बाद ही पता लगेगा। जिथे रशिया ने यह वैक्सीन तैयार की है उत्थे दुनिया भर के विज्ञानी फार्मा कंपनीज ने इस गल के उत्ते अपना शक जाहिर किया है। फार्मा कंपनीज का मनना है कि इन्नी जल्दी के करोना की वैक्सीन बाजार के लॉन्च करनी इन्ने बड़े पद्धर के लोगों के इसका टीकाकरण कित ना कि नुकसानदायक हो सकता है। WHO ने भी कहा है कि बिना किसी प्रॉपर डाटा के वह इस वैक्सीन यूज नहीं करे। उत्थे इंग्लैंड ने साफ शब्दों के इस वैक्सीन नूं अपनाउण तों मना कर दिता है, पर जिस भरोसे ते उम्मीद दे नाल पुतिन ने यह वैक्सीन लॉन्च की है शायद जल्द ही सारे देश इस नूं अपनाउणगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि सारे रशिया दे विच इसका टीकाकरण जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिस दे नतीजे देख के सारी दुनिया इस नूं अपनाउण दे विच भरोसा दिखावेगी। अजिहा पुतिन का दावा है। दरअसल किसी भी देश के विरोध दे विच फार्मा कंपनीज अपने फायदे दे लई विरोध तां जरूर करदियां ने, पर ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇਸ 53,601 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22,00,000 ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,00,000 ਕੇਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 45,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 6,00,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। उम्मीद है जल्द ही वैक्सीन भारत दे विच आवेगी ते कोरोना दी मार तो बचा जा सकता है। उदों तक इसी उम्मीद दे विच मास्क पा के रखो, बार बार अपने हाथ साफ करो ते अपने आप नूं सैनिटाइज करदे रहो।